हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरी न्यू वर्ल्ड बनाई है और यहाँ पे मैं पहले थोड़ी सी माइनिंग कर लेता हूँ, ट्रीज़ वगैरह सारे से तोड़ लेते हैं और क्राफ्टिंग सॉरी कर लेता हूँ। ये ट्रीज़ यहाँ पर, ये जो से दरख्त खड़ा है इसको सारा तोड़ते हैं और इसको अपने पास रख लेते हैं कलेक्ट करके। इससे हमें और चीज़ें बनाएंगे और क्राफ्टिंग टेबल वगैरह बनाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा एक घर बना लेते हैं ताकि ज़ोंबीज़ वगैरह के बच सके, हमले से अटैक वगैरह से बच सकें, क्योंकि यहाँ पे अगर रात होगी तो ज़ोंबीज़ वगैरह आ जाएंगे और उनसे बचना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि घर मैं इस जगह पे बनाता हूँ, तो यहीं पर घर बनाते हैं, छोटा सा ऐसे बेसमेंट टाइप का यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ से सारी मैं पहले मिट्टी आगे वाली हटा देता हूँ और साथ साथ कलेक्ट करता रहता हूँ, क्योंकि अभी तो इस मिट्टी के साथ ही घर बनाते हैं। उसके बाद फिर जैसे जैसे चीज़ें और एक्सप्लोर करूँगा तो वैसे वैसे चीज़ें और बनाते जाऊँगा घर वगैरह अपना। और यहाँ से ये वगैरह सारी मिट्टी वगैरह तोड़ देते हैं और इस नुक्कड़ को भी यहाँ से तोड़ते हैं। यहीं पर नीचे ही बनाऊँगा घर छोटा सा ऐसे। यहाँ से ये जगह सारी तोड़ते हैं, ये भी यहाँ से मिट्टी वगैरह तोड़ते हैं और ये भी। अब यहाँ पे कुछ इसके लुक वगैरह सही हुई है, घर की तरफ घर की तरह लग रहा है। तो यहाँ से ये वगैरह सारा रोड दिया और ये बनी हमारा। यहाँ पे मैंने छोटा सा ये कमरा बनाया, यहाँ लकड़ी वगैरह सारी रख के यहाँ से प्लैंक बनाते हैं। प्लैंक के साथ ही हमारी क्राफ्टिंग टेबल बन गई। क्राफ्टिंग टेबल को इस नुक्कर में रखते हैं और यहाँ इससे हम बनाते हैं डोर बनाते हैं एक। प्लैंक और ज़रूरत पड़ेगी, प्लैंक से ये बनी हमारा डोर और डोर हम उठा लेते हैं और यहाँ पर रखते हैं। और ओ यार, ये मैंने प्लैंक ही यहीं पे रख दिए इनको। मैंने डोर, अच्छा मैंने डोर चूज़ नहीं किए थे डोर। तो ये डोर उठा लिया हमने और यहाँ लगा दिया डोर एक, ये दूसरा डोर लग गया। ये वाली मिट्टी सारी हटा देते हैं क्योंकि यहाँ फिर आते जाते हुए ये तंग करेगी, सारी हटा देते हैं। चलो यहाँ से सारा ये मिट्टी हटा देते हैं, ये भी क्लियर, यहाँ से भी क्लियर। ये हमने फिर मिट्टी तोड़ने के बाद थोड़े से दरख्त वगैरह भी तोड़ लेता हूँ और इससे मैं बनाता हूँ अपनी लकड़ी की चीज़ें, तलवारें वगैरह बनाते हैं। स्टिक्स हमारे पास हैं पड़ी चार, लेकिन फिर प्लैंक्स बना लेते हैं थोड़े से और स्टिक्स थोड़ी सी और भी शायद ज़रूरत पड़ेंगी तो स्टिक और भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 6 5 4 और 4 ओ बस अब बहुत हैं इतनी। और थोड़ी सी ये तलवारें दो बना ली, दो एक्स बना लिए और क्या बना सकते हैं, बस यही बनेगा क्या? थोड़े से और भी तो हैं मेरे पास, हाँ इनसे मैंने ये चीज़ें बनाई तो थोड़े से एक दो पिकैक्स भी बना ली, ठीक हो गया। ये हमारा क्राफ्टिंग टेबल से हमने ये सामान बना लिया। अब चलते हैं थोड़े से और मिट्टी वगैरह और तोड़ के लाते हैं, कुछ वूल वगैरह भी लेके आते हैं अपने। हमने बेड वगैरह भी बनाना है ना, यहाँ से ये तोड़ते हैं मिट्टी और थोड़ी सी मिट्टी कलेक्ट भी करते रहते हैं साथ साथ। अभी ये क्या है? अच्छा ये कैट है, कैट भी अच्छा यहाँ पर रख सकते हैं अपने पास। पता नहीं इसको पकड़ेंगे कैसे, इसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं है। यहाँ से मिट्टी वगैरह तोड़ रहे हैं सारी, ये घास वगैरह भी तोड़ते हैं, इसमें से बीज वगैरह मिलता है वो फिर मुर्गियों को ले के आने में थोड़ी सी हेल्प करता है, थोड़ी सी नहीं बल्कि आती मुर्गियाँ इसी को खाने के लिए आती हैं। यहाँ से ये सारे तोड़ते हैं, घास वगैरह भी तोड़ लेते हैं और हमारे पास अब घास भी है, घास से बीज भी मिल चुका है, मिट्टी भी है। और यहाँ पर ये तोड़ते हैं, इससे पता नहीं क्या मिलेगा, कोई बीज वगैरह ही शायद मिलेगा, लग तो ऐसा दरख्त के ऊपर जैसे लगा हुआ है। यहाँ से ये तोड़ते हैं, दरख्त भी थोड़े से तोड़ते हैं लकड़ी की क्योंकि बहुत ज़रूरत होती है। ये लीफ वगैरह तोड़ देते हैं, हमारे घर के सामने हैं, थोड़े से बुरे लग रहे हैं। हाँ ये वाली साइड भी सारी तोड़ के मैं सीधी कर देता हूँ, ये थोड़ा सा घर फिर जब बनाएंगे ना घर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फिर आसानी होगी, अंदर ज़ॉम्बीज़ वगैरह नहीं आ पाएंगे। तो ये साइड सारी मैंने तोड़ देता हूँ, ऊपर वाली भी तोड़ देता हूँ, बिल्कुल सीधा बना देता हूँ। यहाँ से भी तोड़ दी, ऊपर से भी, ये भी और यहाँ से भी, ये सारी दो लेयर रह गए हैं, ये भी तोड़ देते हैं दरवाजे के साथ जो सी हैं। ये चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से हमें लकड़ी और भी स्टिक्स वगैरह तो बनी बनाई स्टिक्स भी मिल गई हैं। और यहाँ से हमारा घर के साथ थोड़ी सी लुक सही हुई है, लेकिन ये भी तोड़ देते हैं, ये बुरे लग रहे हैं थोड़े सा, बराबर बराबर हो जाएगा पूरा घर। यहाँ से भी तोड़ देते हैं, ये भी तोड़ दिया थोड़ा सा, अब लुक वाइज ठीक हो गया। यहाँ से लकड़ी तोड़ते हैं और, क्योंकि शाम होने वाली है और शाम से पहले हम अपना जुगाड़ सारा रेडी करके रखते हैं। ये भी तोड़ देते हैं और यहाँ से हम लकड़ी वगैरह तो तोड़ दी थोड़ा सा चल के। अभी यार ये ज़ॉम्बीज़ यहाँ से कहाँ पे आ गए, वैसे भी दिन है अभी, ये मर जाएंगे, इनको एक एक मारेंगे
ये देखें, ये एक हुई हमें जो मार रहे हैं, ये तो चार चार पांच पांच एक साथ आ गए। आज धूप में आ जाओ, धूप में आएंगे तो ये खुद भी मर जाएंगे। वो देखो आग लगी हुई है ना इनको, वो गए, शुक्र है सारे मर गए धूप की वजह से। मेरा इतना डैमेज नहीं जा रहा था उनको जितना उनको धूप से डैमेज हो रहा था। तो यहाँ से हमें ये दोबारा से ये कैट खड़ी है यहाँ पे, और कैट को नहीं मार सकते, वो भाग देते हैं। इनको मार देते हैं दोनों शिप्स को, और हमें यहाँ से मिल जाएगी वूल जिससे हम अपना बेड वगैरह बनाएंगे। इस वाली को भी मारते हैं, और ये नीचे चली गई, मारो मारो मारो, ये गई दूसरी ऊपर मर गई। यहाँ से भी हमें दो वूल मिल चुकी हैं, और यहाँ मैं घर पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ बनाते हैं हम अपनी एक बेड बनाते हैं। तो भाई लोग बेड हमारा बन गया, यहाँ पर वाइट बेड नहीं लग रहा, यहाँ पर वाइट बेड यहाँ नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, क्या हो गया, छोटी है जगह क्या। ओके यहाँ पे लग गया, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं लगाना, यहाँ से उठाओ यहाँ पे लगाना है, यहाँ नहीं लग रहा, इस साइड पे लगेगा, इस साइड पे खड़ा होकर लगाता हूँ, लग गया। चलो यहाँ पे हमारा बेड फाइनली लग चुका है। तो भाई मैंने मेहनत करने के बाद ये घर बनाया सारा, मैंने कहा एक एक आपको दिखाता रहूँगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो ये मैंने घर बनाया, चलो आपको इस सारे घर का इंट्रो दिखाता हूँ। इंट्रो मैंने यहाँ पे दो दरवाज़े लगाए हुए हैं, दरवाज़े बंद कर देते हैं, रात हो रही है, ज़ॉम्बीज़ अंदर भी आ सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे बंद, ये है भाई घर की बैक साइड, ये दरवाज़े के साथ वाली जगह, और दो बैम्बो भी लगे हुए हैं, और ये है भाई घर का मेन इंट्रेंस वगैरह। तो थोड़ी लाइट वगैरह, थोड़ी माइनिंग भी की थी तो कोल वगैरह मिला था उससे, फिर लाइटें वगैरह भी बनाई। वो वाली साइड मेरा एक पार्क वगैरह मैंने बनाया हुआ है, बड़ा सारा जंगल ही कह लो, क्योंकि अभी पार्क वाले में उसमें कोई फीलिंग नहीं आती, जंगल बनाया हुआ है अपना छोटा सा। तो ये है घर का अंदर हॉल कह लो, और यहाँ पर मैंने यहाँ नुकर में भी दो बैम्बो लगाए हुए हैं, और यहाँ ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर की तरफ, ऊपर भी आपको दिखाऊँगा, और यहाँ से ये व्यू आ रहा है। और यहाँ मेरा ये रूम है, पहले आपको अपना रूम दिखा देता हूँ, ये मैंने अपना रूम बनाया, यहाँ पे बेड भी लगाया हुआ है अपना। तो ये मेरा रूम बनाया मैंने, ठीक है बड़ा सारा। और उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाई हुई है, यहाँ पे अपना सामान वगैरह रखता हूँ। ये छोटा सा रूम के नीचे बनाया हुआ है तहखाने की तरह, वही हेल्थ चली गई थोड़ी सी। तो यहाँ पे मैं अपने चेस्ट वगैरह सारे रखता हूँ, और यहाँ पे चेयर्स भी थोड़ी सी लगी हुई हैं, चार पांच चेयर रखी हुई हैं, चेस्ट भी रखे हुए हैं, फर्नेंस भी यहीं पे रखे हुए हैं, और अपनी क्राफ्टिंग टेबल भी यहीं पे पड़ी है। यहाँ पे ये सामान रखा हुआ है सारा, और यहाँ से ऊपर चलते हैं, आपको ऊपर ऊपर का विज़िट करवाता हूँ, बिल्कुल ऊपर टॉप का, टॉप के ऊपर भी है एक सीलिंग टाइप जो सी है ना छत वगैरह। तो यहाँ पे मैंने दरवाज़ा लगाए हुए हैं, क्योंकि मकड़ियों का कोई पता नहीं चलता ये कहीं से भी उड़ के आ जाती हैं। तो ये है छत, और फ्रंट पे भी चलते हैं यहाँ से, ये देखो यहाँ पे ये मैंने फ्रंट बनाई हुई है सारी पत्थर के साथ। ये है छत इसकी, मेरे घर की रूफ, यहाँ से ये व्यू दिखता है तो रात अच्छा व्यू दिख रहा है फिर भी। और यहाँ से ये मेन ऊपर बिल्कुल टॉप के ऊपर यहाँ से पहुँच चुके हैं हम, और यहाँ पे भी खड़े हो सकते हैं। यहाँ से फिर चलते हैं नीचे की तरफ, और आपको वो वाले अपना पार्क वाली साइड जो जंगल की तरह कह रहा था वो साइड वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ से दरवाजे बंद कर देते हैं सारे कि ज़ॉम्बीज़ वगैरह या कोई भाई बला अंदर ना घुसे। ये दरवाज़ा खोलते हैं, और यहाँ पे मैंने अपनी सारी भेड़ बकरियाँ और अपने मुर्गियाँ वगैरह सारा कुछ यहीं पर छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने चार दीवारी दी हुई है चारों साइड से, लाइटें वगैरह लगाई हुई हैं। ये देखें यहाँ पे पिग वगैरह भी फिर रहा है, पता नहीं पिग तो मैंने रखा नहीं था पता कहाँ से आ गया। यहाँ से कैमल भी फिर रहे हैं, और ट्रेड करने वाले लोग भी यहीं पे हैं। ये देखें ये कैमल भी हैं, यहाँ पे राइड भी इनके ऊपर कर सकता हूँ। और ये सारे इतनी बड़ी जगह मैंने सारी घेर लिया खुद के नीचे। ये रही एक और शिप, और यहाँ पर चार दीवारी है सारी, ये सारी मैंने खुद बनाई है, मेहनत लगी है। आप लोग लाइक कर दिया करो वीडियो को, और कमेंट भी कर दिया करो। तो ये था भाई मेरा घर जो मैंने अब बनाया, बाकी और माइनिंग वगैरह करने जाएंगे सारे साथ में, फिर चलेंगे, फिर उसकी वीडियोस लाजमी डालता रहूँगा, उसमें कोशिश करूँगा कि साथ में ही जाएँ, ज़्यादा वक्त लगता है इसलिए तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता, बस बना लिया, बनाने के बाद आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। तो ये घर बनाया इंशाल्लाह, और इससे भी बड़ा घर बनाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में,
आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।